पुलिस उस खबीस को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेहरमती की करे, कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। स्वीडन की हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और जवाब देना होगा। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में। पाक की बेहुरमती की मजम्मत काफी नहीं, स्वीडिश हुकूमत बताए ऐसा वाकया हुआ ही क्यों, हर सूरत पोजीशन क्लियर करना होगी। इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, स्वीडन वाले बाज आ जाएं वरना पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। दुनिया को बेअमनी, नफरत और इंतशार से बचाना होगा। महज़्ज़ब अक़वाम इस्लामोफोबिया के वाक़यात रोकने में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, नापाक जसारत के खिलाफ कल मुल्क भर में रैलियाँ निकालने की अपील, मुनाफरत के सद्देबाब के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। ट्विटर में शर्मनाक फेल पर शदीद गुस्से का इजहार, पेशावर, शेखबाबाद, लियाकतपुर समेत कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां, गुस्ताखों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा, अवाम से स्वीडिश मसनूआत के बॉयकॉट की अपील, 417वीं मसीही बरादरी का मुजाहरा, स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर में बादलों की दूसरी तूफानी इनिंग्स, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब, सूरत हाल फिर खराब। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी निकालने में भी मुश्किलात, सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। भारत को आलमी सतह पर एक और सुर्खी का सामना, किशन गंगा और रतले डैम के डिजाइन से मुतालिक पाकिस्तान की दरखास्त मंजूर, पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी सालसी अदालत से रुजू किया था। जहांगीर तरीन के भाई और पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। 62 साल आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रिहाइश पजीर थे, पुलिस ने जगह को सील करके पिस्टल कब्जे में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी की वजूहात का तायुन नहीं हो सका। आलमगीर तरीन का खत भी मंजर आम पर आ गया, बीमारी से परेशानी का तस्करा। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, साबिक हुकूमत ने नैब को रेफरेंस पर मजबूर किया, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, एहतसाब अदालत का लीगी कायद को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी, नैब और रेवेन्यू बोर्ड को जायदाद गैर मुंजमित करने का हुक्म।